दोस्तों, किस किस को बेसन का चीला पसंद है? अगर पसंद है तो मेरा फुल वीडियो जाके देखिए और लाइक करिए, फॉलो कीजिए। एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो यहाँ देखिए, मैं चल रही हूँ बेसन का चीला बनाने। तो यहाँ ले ली हूँ आलू, घिस ली हूँ, मिर्चा ले ली हूँ, प्याज, टमाटर। चलिए दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या ऐड कर रही हूँ मैं। यहाँ ले ली हूँ बेसन, इसमें प्याज ऐड कर, यहाँ हरी मिर्च ऐड कर दे रही हूँ, यहाँ टमाटर भी ऐड कर दे रही हूँ। यहाँ आलू घिसी थी उसको भी ऐड कर दे रही हूँ। यहाँ नमक ऐड कर दे रही हूँ मैं स्वाद अनुसार। यहाँ थोड़ा हल्दी ऐड कर दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा कलर आता है तो अच्छा लगता है देखने में भी, खाने में भी। अब इसमें मैं पानी डाल के इसको घोल लेती हूँ। इसका अच्छा से घोल बना ली हूँ मैं, ये देख सकते हैं इस तरीके से। अगर चटपटा खाना हो तो मिर्चा ज़्यादा डाल दीजिए, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए बना रही थी। उनको कब से मन कर रहा था कुछ खाने के लिए, मम्मा कुछ बनाओ कुछ बनाओ, तो मैं इस तरीके से थोड़ा कम मिर्च ऐड की हूँ। तो यहाँ ये पूरा गर्म हो चुका है तवा, यहाँ तेल अच्छा से चारों तरफ चला देते हैं, इधर उधर चपके ना, ये देख सकते हैं चारों तरफ से धीरे धीरे इसको निकालने का कोशिश करेंगे, तरीके से देख सकते हैं कितना अच्छा से निकल गया है। अब इसको इधर भी पका के अच्छा से उलट पलट करके अच्छा से पकाएंगे, इसको क्रिस्पी थोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ ये मेरा हो चुका है, तो अब इसी तरीके से दूसरा वाला बनाएंगे। दबा दबा के अच्छा से पका लो, क्रिस्पी होता है। बच्चों या बड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्दी भी होता है, नाश्ते के टाइम अच्छा रहता है, ये खाना चाहिए। तो ये भी मेरा बन चुका है। तो यहाँ तो ये बन चुका है और ये देख सकते हैं। आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा रेसिपी? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ मेरी बेटी को अच्छा लगा, बहुत टेस्टी लगा, बोल रही है कि बहुत अच्छा लग रहा है मम्मा, बहुत अच्छा लग रहा है।